तो दोस्तों आज है गोधन का पर्व और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। अभी मैं स्नान कर ली हूँ। स्नान करने के बाद अभी मैं भगवान की आकृति बनाऊंगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि गोधन के पर्व में भगवान की आकृति गोबर से कैसे बनाएं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियो में कि मैम आप बताइए कि आकृति कैसे बनाते हैं। तो आज के गोधन के पर्व में मैं आपको दिखाकर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बनाएंगे भगवान की आकृति। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। कोई आपको अगर सामान खरीदना हो पूजा से रिलेटेड या फिर आपको कोई गिफ्ट से रिलेटेड, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आकृति बनाने के लिए क्या सामान लगता है और किस तरीके से बनाओगे आप। दोस्तों सुबह सुबह सबसे पहले आप स्नान कर ले। स्नान करने के बाद एक ईंट ले, एक लाठी ले, रेंगनी का कांटा है, ये रेंगनी का कांटा मैंने ले लिया है। उसके बाद ये है गोबर। गोबर से ही हम भगवान की आकृति बनाएंगे। तो आज का जो गोधन का पर्व है 2022 में, उसका मुहूर्त जो है वो 2 बजे तक है, तो उससे पहले ही हम लोगों को गोधन कूट लेना होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आकृति बना रही हूँ। तो यहाँ बनाने वाले स्थान में आपको अच्छी तरीके से झाड़ू लगाकर पानी डालकर धो लेना है, साफ़ सफाई कर लेनी है, उसके बाद हम बनाएंगे आकृति। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चॉक की सहायता से जो है ये स्क्वायर का शेप बना लेना है। ये आप देख रहे हैं मैंने हल्का सा स्क्वायर का शेप बना लिया है। अब इसी के ऊपर आपको गोबर रखकर ये स्क्वायर को फिलअप करना है। उसके बाद जो है हम घर बनाएंगे और भगवान की आकृति बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से मैंने शुरू कर दिया है बनाना। आपको इसी तरीके से जो है जैसे आपने अभी आकृति बनाई, जैसे आपने अभी चौक से उकेरा है, इसे इस तरीके से ही हम गोबर से बनाना शुरू करेंगे। और चारों तरफ मेन गेट आपको ज़रूर बनाना है, चारों तरफ द्वार खुला होना चाहिए। तो ये हम बना लेते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए ये जो है हमारा घर बन चुका है। आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है आपको चारों तरफ से द्वार निकालकर इस तरीके की ही आकृति बनानी है। उसके बाद हम अंदर में बनाएंगे भगवान की मूर्ति, मतलब जड़ और ज़मीन। इस भगवान का नाम है जड़ और ज़मीन। तो जड़ जो है वो पूरब की दिशा में होगा और ज़मीन जो होगा वो पश्चिम की दिशा में होगा। तो आप अपने दिशा का एरिया ज़रूर देख लें, पूरब पश्चिम की ओर बनता है। मतलब जो जड़ भगवान बनाएंगे वो पूरब की तरफ होगा और ज़मीन पश्चिम की तरफ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये पूरब की दिशा में है जड़। पूरब की दिशा में जड़ बनाना है और ज़मीन को पश्चिम की दिशा में बनाना है। मतलब एक भगवान को इस मुँह से, एक भगवान को इस मुँह से, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। और ये जो है चार द्वार आपको बनाना है। उसके बाद आपको छोटी छोटी आकृति बनानी है, जैसे सांप, बिच्छू, कुआं, बेलन, वो सब आपको आकृति, छोटी छोटी आकृति बना लेनी है और उन सब की भी पूजा करते हैं। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये है हमारी घर की और भगवान की मूर्ति बन गई। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने कुआं बनाया है, छोटा सा कुआं बनाना है आपको। ये बेलन लोढ़ी, सील लोढ़ी जिसे कहते हैं, सील लोढ़ी, ये कीड़ा कोई भी आप बना सकते हो, बिच्छू टाइप का बिच्छू, ये कोई आकृति आपको जानवर से रिलेटेड कोई भी छोटा सा कीड़ा वगैरह, ये सर्प हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो इस तरीके का जो है आकृति आपको बना लेना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आकृति है और इसी की हम पूजा करेंगे। और ये जो चार द्वार है, आप चार लेडीज़ यहाँ पर बैठ सकती हैं। तो यही द्वार पर आपको सारा सामान रखना है, उसके बाद जो है पूजा करनी है। और जो भी पूजा आप करेंगे भाई दूज की, वो आपको उल्टे हाथों से करनी है। उल्टे हाथों से ही हम भाई को टीका देते हैं और उल्टे हाथों से ही हम पूजा भी करते हैं। तो उसका वीडियो दूसरे वीडियो में आ जाएगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये केवल मैंने आप सभी को बताया कि गोधन में, भाई दूज में भगवान की आकृति कैसे बनाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी आकृति बनाएं। आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, उसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आप पूजा करेंगे। अभी मैं रेडी होने जा रही हूं,
तो आप भी इसी तरीके से सुबह सुबह नहा धोकर पहले आकृति बनाएं, उसके बाद आप तैयार होकर अच्छी तरीके से पूजन सामग्री एक साथ रखकर पूजन करें। तो मेरा एक और वीडियो मैंने बना रखा है, वो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी, वहाँ पर भी आपको पूजा विधि और पूजा का सामान का वीडियो मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।